और पहली गेंद फेंकेंगे इस मैच की अजय मिश्रा। पहली गेंद ऑफ साइड पर जाती हुई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस गेंद को। लेग बाय का रन आया टीम के खाते में, पहला रन मिला गोल्डन टाइगर्स को, खाता खोला गोल्डन टाइगर्स ने अपना इस रन के साथ। सलाह पहुंचे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सऊद अहमद जो कप्तान हैं गोल्डन टाइगर्स के, वे बल्लेबाजी के लिए अब आ चुके हैं सामना करने अजय मिश्रा का। 7-7 ओवर का मुकाबला, द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024। आज चौथा दिन है, इसके बाद एक मैच और बाकी बचा रहेगा। बार धीमी गेंद और विकेट हासिल किया दूसरी ही गेंद पर गेंदबाज अजय मिश्रा ने, एक रन एक विकेट। पर एक विकेट गिरा तो इस मुकाबले में भी रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और यहां उत्साह मैदान पर नजर आता हुआ एसके इंटरप्राइजेस के खिलाड़ियों में। दूसरी ही गेंद पर एक विकेट, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ और वहां अजय मिश्रा, उन्होंने आउट किया, बोल्ड आउट किया सऊद अहमद को बगैर खाता खोले। लंबे कद के गेंदबाज हैं, अच्छी तेज गति की गेंदें फेंकते हैं, अच्छा रिदमिक बॉलिंग एक्शन जो मीडियम पेस बॉलर का होता है, होना चाहिए, वो रिदमिक बॉलिंग एक्शन है बॉलर अजय मिश्रा का। दूसरी गेंद पर एक विकेट, नए बैट्समैन नंबर 3 पर बैटिंग के लिए कप्तान सऊद अहमद के बाद भेजे गए हैं मैदान पर अभिषेक पलिया। अभिषेक पलिया बहुत आराम से बल्लेबाजी करते हैं, फील्ड का मुआयना करते हुए कि पावर प्ले में कहाँ पर गेंद को खेला जाए, और आप देख सकते हैं कहां पर वे खड़े हैं बल्लेबाजी के लिए। लो फुल टॉस ऑफ स्टंपर, जिसे कवर पॉइंट और कवर्स के फील्डर के बीच से प्लेस करना चाहते थे। जैसी मैं बात कर रहा था, अभिषेक पलिया बहुत संभल कर खेलते हैं। डॉट बॉल बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद विकेटकीपर ने नीचे झुकते हुए गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं आया। स्कोर गोल्डन टाइगर्स का, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए एक रन एक विकेट के नुकसान पर। और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे पिछली गेंद पर, रन आउट का मौका, स्टंप पर गेंद नहीं लगी, विकेट कीपर पैर से गेंद को रोक रहे थे। यदि वे हाथ से गेंद को कलेक्ट करते तो शायद एक मौका बना सकते थे। इसको लेकर पर अंपायर हैं मोहम्मद रफ़ी, बिल्कुल पैनी निगाहें रख रहे थे कि बैट्समैन कैसे क्रीज के अंदर आता है या नहीं। सलाह अब्बासी बल्लेबाजी के सिरे पर, जिन्हें अपना खाता खोलना है, और अभिषेक पलिया ने अपना खाता खोला। स्कोर पहुंचा टीम का 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए, फ्लैट 6। ज्यादा ऊंचाई हासिल नहीं की, मेरे ख्याल में 5 या 6 फीट की ऊंचाई थी, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर पहुंची 6 रनों के लिए। आकर्षक एफर्टलेस स्लॉग स्वीप के साथ छक्का लगाया सलाह ने, अपना खाता खोला इस 6 रन के साथ। और गोल्डन टाइगर्स की शुरुआत पहले ओवर की 5 गेंदों के चलते 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर खड़े हैं, लेकिन वे केवल गेंद को देखते रहे, दर्शक बने रहे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर। एक फील्डर है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, दूसरा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। पावर प्ले पहले 2 ओवर का चल रहा है और स्कोर है इस समय 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं अजय मिश्रा मैच के पहले ओवर में, और उनके सामने है सलाह, 2 गेंदों पर 6 रन। बार पूरी लंबाई की गेंद, डाउन द विकेट गेंद को खेला, रन के लिए आगे निकले पहले बैट्समैन, मना किया वहां सलाह ने, क्योंकि ये जोखिम भरा हो सकता था। अच्छा ओवर पूरा किया, 1 ओवर 7 रन दिए इस ओवर में, 1 विकेट लिया, 1 लेग बाय का रन आया, तो कुल मिला के गोल्डन टाइगर्स का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान।
एसके एंटरप्राइजेस दो मैच खेले, दोनों ही जीते हैं। अलग तरह की गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं शिवम। दौड़ते हैं तो पहले एक टप्पा जमीन पर मारते हैं बॉल से, उसके बाद उसे ग्रिप में लेते हैं। पहली गेंद, सुंदर कवर ड्राइव, कवर्स पर उतनी ही फुर्ती के साथ बाई तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया गया। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर के बीच से गैप नहीं ढूंढ पाए। पावर प्ले है ये, दूसरा ओवर पावर प्ले का, दो ओवर का पावर प्ले भोपाल प्रीमियर लीग 2024 में। पांच गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई जानी अनिवार्य है। शिवम, एक और बढ़िया बॉल, बिल्कुल बैट के नीचे से निकलती हुई, तेज गति की गेंदों से पराजित करते हुए बल्लेबाज सलाह को। पारी का दूसरा ओवर, अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजी की। शिवम ने दो गेंदें फेंकी है और दोनों ही डॉट बॉल। देखना है किस तरह से सलाह उनकी गेंदों का सामना करते हैं। अभिषेक हैं उधर, एक रन बनाया है अभिषेक ने। आमतौर पर जो स्टांस रहता है टेनिस बॉल क्रिकेट में, उससे अलग हटकर स्टांस। इस बार फुल टॉस, हवा में कवर्स के फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ कैच, अभिषेक पलिया की पारी समाप्त की। फुल टॉस गेंद, अभिषेक पलिया कैच आउट हुए, शरद ने कैच किया और आए हैं अब फैजल अली। 180 का स्ट्राइक रेट, 22 का एवरेज। नए बैट्समैन क्रीज की गहराई का फायदा उठाने के लिए पीछे हटकर खड़े हुए, हवा में शॉट खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ और जंप किया लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन, दूसरा छक्का इस पारी का। चौदह पे दो और यहां अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज शिवम। पूरी लंबाई की गेंद और फुल टॉस बनाकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बैट के नीचे से निकली, विकेट कीपर के पास पहुंची और धीरे धीरे दो तीन प्लेयर्स के साथ होती हुई यह गेंद वापस गेंदबाज शिवम के पास। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, दो फील्डर पावर प्ले में बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, बाकी फील्डर सभी 38 सर्कल के अंदर। ऑफ साइड पर पांच फील्डर, ऑन साइड पर चार फील्डर, ये फील्डिंग सेट की गई है। एक और उसी लंबाई की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर बॉल, वाइड यॉर्कर जिसे कह सकते हैं, बल्लेबाज को ज्यादा कुछ करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की शिवम ने, दो ओवर का खेल पूरा। दो ओवर के बाद गोल्डन टाइगर्स पहले बैटिंग करते हुए दो विकेट के नुकसान पर 14 रन। फैजल अली यूसुफ खेल रहे हैं 6 पर, तीन गेंदें खेली हैं और दूसरे छोर पर उद्घाटक बल्लेबाज सलाह खेल रहे हैं 6 के निजी स्कोर पर, तीन गेंदें खेली। ओवर में दोनों ही गेंदबाजों के नाम पर आया है और अब सलाह सामना करेंगे गेंदबाज का, जो
नए गेंदबाज आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। अजय मिश्रा ने एक ओवर किया है, उनकी जगह पर शाहरुख को बुलाया जा रहा है। अलग रणनीति, तीन गेंदों पर, तीन ओवर में तीन बॉलर्स चेंज किए हैं। डीप कवर्स के फील्डर को देखना है, आगे बुलाया और वे पहुंच चुके हैं शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, और जो शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर खड़े थे वे पहुंच रहे हैं स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। नया ओवर, पारी का तीसरा ओवर, शाहरुख बॉलिंग करेंगे। उनका भी अच्छा खासा लंबा बॉलिंग रनअप है, लगभग 18 से 20 कदम का बॉलिंग रनअप, और तैयार तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद, अपील, लेकिन मना किया अंपायर ने। पूरे विश्वास के साथ गेंदबाजी की थी और अपील भी की थी, लेकिन किसी साथी ने उनका कोई साथ नहीं निभाया। कॉट बिहाइंड की अपील और अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। आदिल पर 14 पे 2, 2.1 ओवर। देखना है क्या टारगेट सेट करती है गोल्डन टाइगर्स की टीम। इस टूर्नामेंट में एक मैच खेला है, जीत हासिल की है, और इस बार थोड़ा सा शॉर्ट गेंद, इंतजार किया, पुल शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, दर्शकों के पास 6 रन। देखा उसे और पैनी निगाहों से देखने के बाद एक और बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग पर, बिल्कुल फ्लैट सिक्स। इसके पहले भी जो पहला छक्का लगाया था वो भी फ्लैट सिक्स था, ऐसा लग रहा था कि गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर गई है, लेकिन वो 6 रन वाला शॉट और गोल्डन टाइगर्स को उन्होंने पहुंचा दिया है अपने 12 व्यक्तिगत रनों के साथ 20 की रन संख्या पर। मिड ऑफ मिड ऑन गेंदबाज के साथ बातचीत करता हुआ शिवम बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ पर फील्ड आपको लेनी चाहिए सलाह के लिए। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो एक दूसरे की कमजोरी अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट अच्छी तरह से जानते हैं, और आज के इस मुकाबले में देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों टीमें ऐसी हैं जो टूर्नामेंट में कोई भी मैच अभी तक हारी नहीं है, तो इस मैच के बाद एक बात तो सिद्ध हो जाएगी कि एक टीम इस मैच में जो हारेगी वो इस टूर्नामेंट में अपना मैच हारेगी। रिवर्स हिट की कोशिश, अकेली अपील विकेटकीपर की, कोई साथ किसी का नहीं मिला, अंपायर पर भी कोई दबाव नहीं बन पाया, और अंपायर ने भी आराम से मुस्कुराकर मना किया इस अपील को कि ये कैच नहीं है। रिवर्स हिट के प्रयास में चूकते हुए सलाह, 6 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं और फील्ड में तब्दीली। जैसे ही देखा सलाह रिवर्स हिट की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फील्डर को अब डीप पॉइंट बाउंड्री पर लिया है, और जो बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर है उसे भी थोड़ा पीछे खड़ा कर दिया गया है। बार हवा में गेंद और विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। तीसरा झटका गोल्डन टाइगर्स को, 20 रन 3 विकेट। तीसरा ओवर, एक विकेट लेकर आया, तो हर ओवर में एक विकेट खो रही है गोल्डन टाइगर्स की टीम। और अब जैद अली सामने, उनके गेंदबाज शाहरुख, पहला ओवर है उनका, 4 गेंदों पर 6 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। इस बार हवा में मिस टाइम, लॉन्ग ऑन के फील्डर क्या कैच पर आ जाएंगे? जी हां, आराम से कैच को पकड़ा शिवम ने।
रन गोल्डन टाइगर्स टॉस जीतने के बाद परेशानी में पड़ती जा रही है। जैद अली हल्के से गेंद को टर्न करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने वाले शिवम ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। जैद अली, कॉट शिवम, बोल्ड शाहरुख, नए बैट्समैन टिंकू। टू बाउंस थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक सिंगल फैसल अली यूसुफ के लिए, चार गेंदों पर 7 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर और गोल्डन टाइगर्स 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में विकेट खोए हैं अभी तक गोल्डन टाइगर्स ने। राहुल पटेल लंबे कद के गेंदबाज हैं, बहुत ताकत बाजुओं में, कंधे का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं गेंदबाजी के समय, जो तेज गति का गेंदबाज आमतौर पर करता है। इस बार फुल टॉस गेंद, कवर्स की तरफ जाता हुआ शॉट, लेकिन एक ही सिंगल रन मिलेगा। इस सिंगल के सहारे धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। गोल्डन टाइगर्स 22 रन 4 विकेट पर। और इस बार हवाई फायर, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर 6 रन। स्लॉट पे गेंद मिली, ऊपर गेंद मिली, हाफ वॉली पर लेकर गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। पहला विकेट सऊद अहमद के रूप में 1 पर, दूसरा विकेट अभिषेक पलिया के रूप में 8 पर, तीसरा और चौथा विकेट 20 की रन संख्या पर सलाह और जैद अली आउट हुए थे पारी के तीसरे ओवर में चौथी और पांचवी बॉल पर। लेकिन यहां टिंकू शाक के साथ फैसल अली बल्लेबाजी के मोर्चे पर पांचवें विकेट के जोड़ीदार, 5 गेंदों पर 13 रन बना लिए हैं, 2 छक्के दागे हैं अभी तक फैसल अली ने। गोल्डन टाइगर्स के सारे जो खिलाड़ी हैं, टीम के मेंबर्स हैं, समर्थक हैं, फ्रेंचाइजी हैं, जो ओनर्स हैं, वो सभी देख रहे हैं अब फैसल अली यूसुफ की तरफ। 28 पे 4, पांचवी बॉल चौथे ओवर की। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, बाउंड्री रोप के पास खड़े हैं और क्रीज की गहराई का उपयोग करने के लिए फैसल पीछे। लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ जाता हुआ शॉट, शिवम जब तक गेंद को फील करें, एक आसान सा रन और थ्रो विकेट कीपर के पास शिवम का,
एक रन और आया फैसल अली यूसुफ के लिए, उनका निजी स्कोर हुआ 14 रन जो उन्होंने 6 गेंदों पर बनाए हैं। स्कोर पहुंच चुका है टीम का 29 रनों पर। बैट का बाहरी किनारा, वन बाउंस गेंद को कलेक्ट किया विकेट के पीछे, कोई रन नहीं इस अंतिम गेंद पर। तो 4 ओवर का खेल पूरा, 4 ओवर के बाद गोल्डन टाइगर्स ने ग्रुप सी के इस मुकाबले में एसके एंटरप्राइजेस के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 रन बना लिए हैं। फैसल अली काफ़ी पीछे हटकर खड़े हैं और यहां शाहरुख को वापस बुलाया गया है। उनका पिछला ओवर सफल था, 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। शाहरुख पर भरोसा, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, अंपायर बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं, नकारा इस कॉट बिहाइंड की अपील को अंपायर आदिल ने और खिलाड़ी वापस अपनी अपनी जगह जाने के लिए तैयार होते हुए। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, शाहरुख गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया बॉलिंग, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ज़्यादातर गेंदों को विरकते हैं। अभी तक 6 रन दिए हैं 7 गेंदों में और 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। उनके शिकार बने हैं सलाह और जाहिद अली। फुल टॉस बॉल, कनेक्शन सही नहीं, टप्पा खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा घूमती हुई गेंद, इसको लेकर फील्डर ने गेंद फील्ड की, 1 रन मिलेगा जो टीम के स्कोर को बढ़ाएगा। स्कोर पहुंचा गोल्डन टाइगर्स का 30 रन 4 विकेट पर और फैसल अली खेल रहे हैं अब 15 रन बनाकर 8 गेंदों पर। टिंकू शाह के सामने उनके गेंदबाज शाहरुख, बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ कैच, आसानी के साथ कैच पकड़ा गया, तीसरा विकेट शाहरुख के नाम पर और वहां स्थिति 30 रन 5 विकेट गोल्डन टाइगर्स की। तीन ओवर के खेल में और कुल 30 रन अभी तक उनके बल्लेबाजों ने बनाए हैं। फैसल अली पर भरोसा, नए बैट्समैन शादाब अली, इस गेंद रिवर्स हिट करने की कोशिश, चूकते हुए बैट्समैन, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंदबाजी, लेकिन दिशा पर नियंत्रण और गेंदबाजी की लंबाई में नियंत्रण गेंदबाज शाहरुख का। 10 गेंदें फेंकी है, केवल 7 रन दिए हैं अभी तक की बॉलिंग में और 3 बल्लेबाजों को वापस लौटा दिया है डगआउट में शाहरुख ने। इस बार धीमी गेंद, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, आखिरी समय तक गेंद को देखा, लो फुल टॉस पर लेकर गेंद को खेला, 6 रन का इशारा अंपायर आदिल की ओर से।
वापसी बहुत बढ़िया करते हैं शाहरुख, ओवर पूरा किया शाहरुख ने, दो ओवर की बॉलिंग उनसे कराई गई, कोई मैडन नहीं, 13 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए और गोल्डन टाइगर्स का स्कोर 5 ओवर के खेल के बाद 5 विकेट पर 36 रन। 12 गेंदे बची हैं लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है इस समय एसके इंटरप्राइजेस की, ऐसा लगता है कि अगले 2 ओवर में भी इसी तरह से बॉलिंग होगी। एसके इंटरप्राइजेज जो पूल सी में अभी तक टॉप पोजीशन पर है, 2 मैच में 2 जीत उनके नाम पर, और उनके समर्थन में ओबेदुल्लागंज से लगभग 100 उनके समर्थक यहां पहुंचे हैं जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयोजन में एक अलग रंग भरने के लिए। बॉलिंग के लिए शिवम, पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश, डाउन द विकेट गेंद को खेलकर 1 रन बनाया गया। इस 1 रन के साथ फैसल पहुँचे 16 के निजी स्कोर पर और टीम की रन संख्या 37 5 विकेट पर। और ओनर हैं एसके इंटरप्राइजेस के सलमान खान, खेलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, समाज सेवक, स्पोर्ट्स लवर और साथ ही साथ लोगों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं सलमान खान साहब। और इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास पहुंचता हुआ कैच, एक और विकेट खोया, 37 रन पर छठा बल्लेबाज आउट। और जो करंट रन रेट है वो 7 से नीचे 6.94। गोल्डन टाइगर्स शिवम इस बार फिर से हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे आएगा, 2 गेंदों पर 2 कामयाबी। दूसरे एंड से फैसल देख रहे हैं कि कब स्ट्राइकिंग एंड पर आए। दोनों वाला ओवर रहे, पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 9 और 5वें ओवर में 7 रन बने हैं। इस ओवर में केवल 1 रन बना है और 2 विकेट खो दिए। हैट्रिक बॉल पर गेंदबाज शिवम, इस मैच में 3 विकेट उनके नाम पर भी, अभी 3 गेंदें बाकी बची है, क्या अपने विकेटों की संख्या बढ़ा पाएंगे या हैट्रिक ले पाएंगे। हैट्रिक बॉल, हल्के हाथ से गेंद को कवर्स की तरफ प्लेस किया, 1 रन के लिए दौड़ लगाई और आखिरकार आदित्य सिंह जो अभी अभी बैटिंग के लिए आए हैं वे फैसल अली को बल्लेबाजी के सिरे पर लाने में कामयाब रहे। 9 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं फैसल अली ने और वे अब सामना करेंगे शिवम का। मधुर हैं बैट्समैन, 1 रन मधुर ने बनाया, आदित्य आउट हुए, अजय ने कैच किया शिवम की गेंद पर। बढ़िया बॉलिंग दिखाया ऐसे कि बहुत तेज गेंद फेंक रहे हैं लेकिन शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद रखी और अपनी गेंद की स्पीड को कम किया। यदि उस स्पीड के साथ गेंद आती तो शायद बड़ा शॉट लग सकता था। हवाई फायर, कवर्स पर फील्डर, गेंद के नीचे 8वां झटका लगता हुआ गोल्डन टाइगर्स को, 8 विकेट पर 38 रन।
एक विकेट और गिरा। गोल्डन टाइगर्स अभी तक परेशानी से उबर नहीं पाई है, पहले ओवर से उनके विकेट गिर रहे हैं। राहुल पाल ही एकमात्र ऐसे बॉलर हैं, राहुल पटेल ही एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्हें विकेट नहीं मिला है। और यहां विकेटों की संख्या शिवम ने कर ली है 4, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 8 रन और 4 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा उन्होंने किया। और अब अंतिम ओवर, 6 ओवर 38 रन 8 विकेट। बॉलर्स नेम आशु, शरद, और ये सिर के ऊपर बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। और हम बता दें कि मधुर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, 7 आए हैं बैट्समैन। और सबसे बड़ी पारी रही है फैसल अली यूसुफ की, जिन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। उनके बाद दूसरी बड़ी पारी रही है सलाह की, जिन्होंने 7 गेंदों पर 12 रन बनाए। और बाकी बल्लेबाज कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए। 3 बैट्समैन 0 पर आउट हुए, जिसमें कप्तान सऊद अहमद, जैद अली और आदित्य सिंह। गेंदबाजी का कमाल जो रहा है, अजय मिश्रा ने 1 ओवर किया, 7 रन देकर 1 विकेट लिया। शिवम ने 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 8 रन 4 विकेट। शाहरुख ने 2 ओवर की बॉलिंग की, 13 रन देकर 3 विकेट। और ये वाइड है, जो हमारे टीवी अंपायर हैं उन्होंने देखकर बताया कि ये वाइड बॉल डिक्लेयर की जाएगी। तो वाइड का सिग्नल अंपायर आदिल की ओर से। स्कोर 39। लास्ट ओवर, स्कोर 39। बॉल टॉस बनाकर मिड विकेट की तरफ गेंद को भेजना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले के साथ। 1 रन आया बैट से लगने के बाद, ये रन आया, स्कोर पहुंचा 40 रनों पर। अंतिम ओवर देखना है, अंतिम ओवर को कितना बड़ा बना पाते हैं गोल्डन टाइगर्स के खिलाड़ी। अभी तक कोई भी ओवर ऐसा नहीं रहा है जो 10 रन से अधिक वाला रहा है। ऐसी परिस्थिति में अंतिम ओवर की अंतिम चंद बॉलों का सफ़र बाकी है गोल्डन टाइगर्स के लिए। 40 पे 8, क्या 50 रन का आंकड़ा पार कर पाएगी गोल्डन टाइगर्स या नहीं। अंतिम ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं शरद मसादकर, बढ़िया शॉट ताकत के साथ, लेकिन 1 रन मिल पाएगा। अपने बाईं तरफ जाकर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, बहुत जल्दी थ्रो किया। 1 सिंगल और, स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ 41 पे 8। साद और मधुर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर, 9वें विकेट के जोड़ीदार। पटकी हुई गेंद हवा में और गेंद विकेट कीपर का निशाना चूका। पहले तो कैच के लिए विकेट कीपर आगे आए थे, उसके बाद उसी खिलाड़ी को दूसरा प्रयास किया आउट करने का, लेकिन 1 रन मिला मधुर को और टीम को 1 रन मिला। 42 रन 8 विकेट पर स्थिति है इस मैच में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए गोल्डन टाइगर्स की। हवाई फायर, इस तरह के स्ट्रोक की जरूरत थी, लेकिन गेंद कितनी दूर गई है, बाउंड्री के बाहर 6 रन। खुशियां खेमे में गोल्डन टाइगर्स के। गेंदें बाकी बची हैं, करंट रन रेट 7.20। एक और हवाई फायर, इस बार सीधे साइड स्क्रीन पर गेंद जाएगी, दर्शक ने कैच पकड़ा, 50 रन पूरे।
54 पे 8। अच्छी बॉलिंग, दूसरे रन के लिए वापस लौटते हुए और थ्रो विकेट कीपर के पास। इस तरह से एक रन मिलेगा अंतिम बॉल पर। कुल मिला के गोल्डन टाइगर्स का स्कोर है 7 ओवर के खेल के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 54 रन, 54 for 9 आफ्टर 7 ओवर्स। 55 रन है स्कोर, 55 रन 9 विकेट पर, और जीतने के लिए 56 रन चाहिए 42 बॉल्स पर। एसके एंटरप्राइजेस को इस ग्रुप में दोनों टीमों ने अभी तक कोई भी मैच नहीं खोया है, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो अविजित रहेगी इस टूर्नामेंट में, और जो टीम मुकाबले को हारेगी इस टूर्नामेंट में, पहला मुकाबला वे हारेंगे। पैराडाइज के कैप्टन, हेलो, पैराडाइज के कैप्टन और जवाहरलाल नेहरू जेनियो जवाहर के कप्तान और पैराडाइज के कैप्टन, फटाफट आ जाए जवाहर के कप्तान अली और पैराडाइज के कैप्टन अंसार, अंसार फटाफट आ जाए। और
भरत भैया, भरत पटेल, बहुत बहुत स्वागत है, संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। भरत पटेल, चलिए इस समय सौद विशाल के लिए। पहली गेंद जड़ में फेंकी हुई, यार कल्याण डिलीवरी और खेलते ही संग्रहण लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी से पूरा भी कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ विशाल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इस मुकाबले को जीतने के लिए निर्धारित 7 ओवर में 56 रन की चुनौती एस के इंटरप्राइजेस को, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डन टाइगर्स ने निर्धारित 7 ओवर में 55 रन बनाए हैं। चले इस समय साथ एक बार फिर इस समय आंसू होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। और इस बार फुल लेंथ की है बॉल, खेलने का प्रयास स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। आंसू जाकर सीधी पैड से लगती हुई, कोई रन नहीं, डॉट रही है बॉल। दोनों ही टीमों के बारे में अगर बात करूं, इसे इस आयोजन में विजय रथ पर सवार हैं दोनों ही टीमें और आज एक किसी न किसी टीम के विजय रथ के पहिए थमने वाले हैं। स्वार कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की गई है दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर जनाब मोहम्मद रफी साहब, जनाब आदिल साहब मंत्रणा करते हुए डिसीजन पेंडिंग है। खारिज किया गया इस अपील को। एक बार फिर यहां पर मौजूद तमाम दर्शकों का, पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के संरक्षक, इस आयोजन के आयोजनकर्ता, युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, इस्तकबाल, हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से आपका स्वागत करते हैं। साथ चले एक बार फिर आंसू के लिए इस बार फिर खेलने का प्रयास आंसू का, एक और डॉट। शानदार बल्लेबाज हैं, अगर आंसू की मैं बात करूं तो कई बार शानदार बल्लेबाजी की है और एक बार फिर टीम का आगाज करने के लिए आए हैं विशाल और आंसू। पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आ रही है एसके इंटरप्राइजेज। आंसू अगर 3 छक्के लगाते हैं एच एम एकता शारी के लेबर की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार लीजिए। बल्ले बल्ले, बड़ा अच्छा मौका है आंसू के पास इस इनामी राशि का हकदार होने का। और इस बार फिर जाकर सीधी पैड से लगी है गेंद, आती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, लेग बाय का इशारा आया है अंपायर मोहम्मद रफी का। अगले मुकाबले की टॉस होने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज वर्सेस पैराडाइज के मध्य अगला मुकाबला। भरत भैया स्वागत है आपका। अगर विशाल एक ओवर में 3 छक्के लगाते हैं तो राज पाटिल जी की तरफ से 1505 रुपए का इनाम। साउद आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन। सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल। साउद अगर 2 विकेट लेते हैं तो वसीम भाई की तरफ से 2000 रुपए। एच एम एकता शारिक 11 की तरफ से 1511 रुपए आशु के लिए।
और रेफर किया है व्हाइट के लिए थर्ड एम्पायर को। हेड्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बैटिंग करना चाहेंगे। एक मुकाबला काफी मुश्किल भरा रहा आपको छोड़कर, प्रदर्शन सबका उतना सही नहीं रहा, तो आज क्या रणनीति है? रेस्ट करा है आपने पूरी रात, क्या सोचा, क्या प्लान बनाया? जो भी प्लान है वो विकेट व्हाइट है, थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया है, व्हाइट बॉल। तैयारी तो हो चुकी है, सब टीम वालों को बता दिया है कैसे क्या करना है। गुड लक कैप्टन। बुला लिया आपको फील्डिंग के लिए, कितने पे रोकना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कम से कम टारगेट रहे हैं, और जैसे भी लो हमारे पास बॉलिंग बैटिंग बैलेंस टीम है, कोशिश करेंगे अपना 100% दें और जो भी होगा फिर। अगले जो मुकाबले खेले काफी अच्छा खेले, उससे कुछ सीख ली आपने? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस में है टीम, और यहाँ पे दो मुकाबले जीतने के बाद भी कोई टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही, हम कोशिश करेंगे तीनों मुकाबले जीतें हमारे। गुड लक कैप्टन। चलिए, अगर विशाल 3 छक्के लगाते हैं तो राज पाटिल जी की तरफ से ₹2100। बादशाह कंटिन्यू। ओके सर, एक और शानदार बॉल साउथ की, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी की है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, खुलकर आजादी से बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं दी गई है। और चले समय एक बार फिर ये बॉल आंसू के लिए, इस बार कवर क्रीजर में खेला है, बीटलर वहां पर मौजूद, रन का खतरा हो सकता था अगर नीचे थोड़ा सा थ्रो रहता और जाकर नॉन स्ट्राइक पर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद मौका बन सकता था। एक जोखिम भरा रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार आयोजन द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महासमर, और इस बार फुल टॉस थी ये बॉल, खेलने का प्रयास बल्लेबाज विशाल का, चूकते हुए वहां पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। शानदार गेंदबाजी, एक और शान, और इस बार वाइट का इशारा, अंपायर मोहम्मद रफी साहब का कमेंट्री बॉक्स को रहता हुआ। और वाइट के लिए रेफर किया गया है थर्ड एम्पायर को, चेक किया जा रहा है। शानदार आयोजन, जितने भी दर्शक है हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस आयोजन के। संरक्षक सम्मानी मोनू गोयल गौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का जो इस समय इस मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं और YouTube चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और फेयर डिलीवरी, थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया है फेयर डिलीवरी, जिसके लिए रिव्यू लिया गया था गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन के द्वारा, सही साबित होता हुआ रिव्यू रिटर्न किया जाता है। बादशाह भाई जी, आशु के लिए इनामी राशि बढ़ चुकी है, ₹2500 हो चुके हैं 3 छक्के पे, HM एकता शारिक लेवन की तरफ से। और इस बार सीधे फील्डर के हाथ में विशाल की पारी, गंद होता हुआ, कवर पर फील्डर खड़े हुए थे, सीधे उनके हाथ में खेल बैठे, पहला झटका लगता हुआ SK एंटरप्राइजेस को। की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन।
दो ओवर की समाप्ति पर 8 रन। अगले बल्लेबाज शिवम पोलार्ड। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर साथ आए हैं, सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज आसू। चले इस समय साथ। और फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है। अंपायर मोहम्मद रफी ने रेफर किया है। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन पेंडिंग है। आज सारे जो मुकाबले शानदार खेले गए, जिसके तहत इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना। और नो बॉल का इशारा थर्ड अंपायर का। ओवर स्टेप गेंदबाजी, कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और अब फिर हिट होगी बल्लेबाज आसू के लिए। फ्री हिट है। चले इस समय साध। और एक बार फिर यहां पर नोवाल एक बार फिर अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यहां से इस फ्री हिट का लाभ ले पाएंगे बल्लेबाज आसू। और आसू की अगर मैं बात करूं तो अच्छे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और इस समय देखना होगा, चले हैं साध। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। एक और शानदार गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। साथ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दबाव बनाकर रखा है बल्लेबाज आसू पर। और इसके एंटरप्राइजेस के नजरिए से कहूं तो आसू वो आसू अगर 3 छक्के लगाते हैं तो एचएम एकता शारिक 11 की तरफ से 3500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3500 राशि बढ़कर हुई है 3 छक्कों पर। इस बार फिर कहीं पर खेलना चाहते थे, गेंद गई है कहीं और, गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और एक बार फिर यहां से नो बॉल चेक की जा रही है। क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आंसू लगातार उनके छक्कों पर इनामी राशि बढ़ती जा रही है। और आंसू से कहना चाहूंगा कि क्यों जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल क्योंकि जमाना सिर पुड़ान देखता है। और लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। तो कहीं ना कहीं अब बल्ला चलाना होगा। और जो इनामी राशि है क्या उसके हकदार बन पाएंगे। बहरहाल इस समय थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया है। ओवर स्टेप गेंदबाजी, यहां पर फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है, डिसीजन पेंडिंग है। ऑन फील्ड अंपायर रफी साहब ने थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया है। और पुनः नो बॉल करार दी जाती है, कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है वहां पर साध। नो बॉल का इशारा और लीजिए
अंपायर मोहम्मद रफी का सुदर्शन चक्र घूमा, इस बात का इशारा किया कि अब फ्री हिट होने वाली है। ग्राउंड्समैन मार्किंग के लिए पहुंचे।
है शुरू होता हुआ। साथ गेंदबाजी के लिए सामने है बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज आसू। इस बार फिर खेलने का प्रयास, बैक टू द वॉल खेला डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर। और जब तक फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से एक रन पूरा किया। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज शिवम पोलार्ड, टीम के कैप्टन, टीम के सेनानायक। पिछले दो मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की है पोलार्ड ने। तीन जवाहरलाल नेहरू के कैप्टन, जवाहरलाल नेहरू के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। पोलार्ड ने इस बार फाइन खेला है, गेंद आती हुई डीप फाइन बाउंड्री की ओर और बाउंड्री लाइंस के बाहर, चार रन, बेहतरीन चौका। काफी देर बाद एक बाउंड्री देखने को मिली है पोलार्ड के बल्ले से। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के कैप्टन पोलार्ड के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। ना मौका ताड़ा डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से पूरे छह रनों के लिए। जहां से बल्लेबाजी छोड़कर गए थे बल्लेबाज पोलार्ड, अजीबोगरीब फील्डिंग वहां पर, सिली मिड विकेट लिया है, साथ चले। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 26, 26 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 26 रन, 56 के जवाब में, चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डन टाइगर्स ने निर्धारित 7 ओवर में 55 रन बनाए हैं, 56 रन की चुनौती एसके एंटरप्राइजेस को यह मुकाबला जीतने के लिए। शानदार ये मुकाबला दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस आयोजन में अपने अपने विजय रथ पर सवार चली हैं। 26 रन एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति पर, तो आज कहीं ना कहीं किसी एक टीम के विजय रथ के पहिए थमने वाले हैं। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कौन सी टीम होगी जो विजय रथ पर सवार होकर एक कदम और आगे बढ़ाएगी। ज्यादा वक्त ना लें, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। अरुण भाई साहब, आंसू के लिए अभी भी इनामी राशि जारी है क्या? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। सुरेंद्र, सुरेंद्र बल्लेबाजी के लिए सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज आसू।
थोड़ी सी दिक्कत जरूर महसूस कर रहे हैं इस समय बल्लेबाजी में, मगर मोमेंटम पाने के लिए एक अच्छे शॉट की आवश्यकता है। इस कई बार ऐसा किया है आसू ने, क्या इस बार फिर कर पाएंगे? एक और यहां से शानदार गेंद, सुरेंद्र की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। सटीक लाइन पर यह बॉल थी, नीची रहती हुई, बल्ला ऊपर चलाया बल्लेबाज सुरेंद्र ने, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। काफी लंबा रन अप है सुरेंद्र का अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं। लंबी दूरी तय करते हैं गेंदबाजी में चले समय एक बार फिर। लीजिए यू में सुराई हिट, जाकर सीधी स्टंपों पे चलेगी और आप स्टंप को धराशाई कर दिया। दूसरा झटका लगता होगा एसके एंटरप्राइजेस को आंसू के रूप में। तो अगले बल्लेबाज वरुण आए हैं आंसू के जाने के बाद। शानदार बॉलिंग सुरेंद्र की, बिल्कुल जड़ में फेंकी हुई, ब्लॉक होल में गेंदबाजी चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज आंसू के, और जाकर सीधी स्टंप से लगी। दूसरी सफलता मिलती हुई गोल्डन टाइगर्स को। और लीजिए आते ही डाउन द ग्राउंड लाजवाब छक्का मैदान के नीचे की ओर। शानदार शॉट लगाया है, मानो डगआउट से सेट होकर आए हैं बल्लेबाज वरुण, और आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं बल्लेबाज ने कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। पहली गेंद पर एक शानदार झन्नाटेदार छक्का लगाया, चूंकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर जरूर मौजूद थे, अपनी खूबसूरत निगाहों से निहारते रह गए इस शानदार शॉट को। चले समय एक बार फिर सुरेंद्र, इस बार स्लोर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन करते हुए स्लॉक सुई के अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज का, और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही। स्कोर इस समय 32-32 रन। पारी का चौथा ओवर, 32 रन स्कोर बोर्ड पर, दो विकेट गंवाने के बाद 56 के जवाब में। एक और शानदार बॉल, एक और धीमी गति की गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को, जिस तरह से पहली गेंद जो थी, जो पहली गेंद फेस की थी बल्लेबाज वरुण ने, काफ़ी तेज गति से डाली थी गेंदबाज सुरेंद्र ने, और उतनी ही तेज गति से सामने शॉट लगाया था बल्लेबाज वरुण ने। उसके बाद दो गेंदें जो है गति परिवर्तन करते हुए, कहीं ना कहीं जो बीक जोन है बल्लेबाज का, वहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। शानदार बॉलिंग, ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर, दो विकेट के नुकसान पर 32-32 रन। बची हुई 18 गेंदों पर अब 24 रन की आवश्यकता। मंत्रणाओं का दौर चालू है, ज़्यादा वक्त ना लें, हम गुजारिश करते हैं गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन प्लीस्टर, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है।
चार ओवर 32 रन 32, बची हुई 18 गेंदों पर 24 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर इस समय होंगे टीम के सेना नायक, टीम के कैप्टन शिवम पोलार्ड। और वहीं गेंदबाजी में कैप्टन साउद आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड विलेज में तब्दीली, ऑन साइड बाउंड्री लाइन पर तीन खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और इस बार क्या यहां से बड़ी मछली जाल में फंसाई है? जी हां, पोलार्ड को जाना होगा डगआउट। राहुल आए हैं और एसके इंटरप्राइजेज के नज़रिए से कहूं तो कमाल लाजवाब पारी खेलनी होगी। तीन विकेट गवा चुकी है एसके इंटरप्राइजेज, अभी भी 24 रन की आवश्यकता है। साउद टीम के कैप्टन खुद आए गेंदबाजी के लिए और एक बड़ा विकेट लिया। हेलो, यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो दोनों टीमें यहां से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। दर्शक नाइट हो चुकी है लेकिन अभी भी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा। इस बार बहुत ही तेज डिलीवरी वहां पर खेला, स्क्वायर लेग की तरफ हरकत में आते हुए फील्डर वहां पर, लेकिन बरकत मिल गई और इक्का दुक्का रन तो बनाना ही होगा, क्योंकि अगर बीच में एक आधा बॉल लूज मिलता है तो वहां पर हिट लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो देखना जरूरी होगा। इस बार एक और डिलीवरी, और मैं अक्सर क्रिकेट में कहता हूं सिक्स एट बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रन तो बनाने ही होंगे और एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर, और डॉट कराते हुए और मैच को थोड़ा बड़ा करते हुए अगर मैं बात करूं तो एसके इंटरप्राइजेस अब्दुल्लागंज की टीम जो है बड़ा मैच वहां पर और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार लीजिए खेला वहां पर इनसाइड आउट, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं करा पाएंगे, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर हरकत में आते लेकिन बरकत मिल गई वहां पर। पांच ओवर की समाप्ति पर 34, बारह गेंदों पर 22 रन। मैच को बिल्कुल शुरू रखेंगे, समय नहीं लेंगे और देखते हैं वो गेंदबाज, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल ओवर रहने वाला है और क्रिकेट में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं। क्या यहां से अब एसके इंटरप्राइजेस के खिलाड़ी वही रिदम दिखा पाएंगे जो पिछले दो मैचों में दिखाया था, या पिछले मैच में जीत अर्जित करके गोल्डन टाइगर ने जिस तरीके से एंट्री मारी है टूर्नामेंट में, तो उसको बरकरार रख पाएंगे नहीं। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा,
गेंदबाजी में आए हैं मधुर। अटैकिंग फील्ड लगाते हुए बिट्टू, और यहां से अब सभी देखना चाहेंगे, बहुत ही रोमांचक स्थिति के मुकाबला हो चुका है। 12 गेंदों पर 22 रन, 11 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं। शॉर्ट फाइल लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, एक फील्डर, स्क्वायर लेग पर एक, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। इस बार खेला वहां पर, रन लिया है, देखना डायरेक्ट सुरेंद्र लगा पाते हैं नहीं, लेकिन हरकत में आए थे लेकिन बरकत दिला नहीं पाए, किस्मत के धनी रहे। और यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों बैट्समैन कमाल करके दिखा पाते हैं नहीं, क्योंकि अगर यहां से मैच जिताएंगे तो तीसरा मैच जीतेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। क्रिकेट आप जब खेलते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी सोच रखनी होती है, छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो आपको बड़ी सोच रखनी होगी। इस बार खेला वहां पर, क्या सीधे हाथ में, देखना दिलचस्प होगा। और फील्डिंग तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन पूरी तरीके से अगर कैच बना लेते तो आज का सबसे अच्छा कैच हो सकता था, कैच ऑफ द डे, लेकिन वार जरूर करना चाहेंगे बैट्समैन। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। पहला उठता वहां पर लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन आता हुआ। वरुण एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अवधपुरी के लोकल बॉय हैं, भोपाल से बहुत ही अच्छी पारियां खेल चुके हैं। क्या टीम को मझधार से निकाल पाएंगे, क्या गोल्डन टाइगर अब अपनी धार दिखा पाएगी। वरुण, वरुण ने खेला शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा लगा वहां पर, लेकिन सुरेंद्र जब तक आते बॉल को फील्ड करते थ्रो करते, मैच अब थोड़ा सा बड़ा होता हुआ। राहुल स्ट्राइक पर है, देखिए होता यही है कि जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चले जाते हैं तो मध्य क्रम में हमेशा आपको अपनी भूमिका करनी पड़ती है। यहां से बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो अब शुरुआती आज अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैच बड़ा हिट लगाते हैं लेकिन भाप नहीं पाए वहां पर, क्या डायरेक्ट हिट लगा पाएंगे। अब तक बॉल उठाते कैरी करते लेकिन रन पूरा किया, अब यहां पे तो एक हिट लेना ही होगा अगर मैच छोटा करना है तो, और अगर हिट लगाते हैं तो फिर थोड़ा सा जीत की तरह वो बढ़ेगी एसके एंटरप्राइजेस, नहीं तो गोल्डन टाइगर की जो दहाड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस गेंद पर क्या होगा, इस गेंद पर जी हां डॉट बॉल होगा। तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज की, और एक चीज और है कि उनको पता है कि अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलनी होगी, गेंदबाज वही कर रहे हैं लेकिन बैट्समैन क्या कर पाएंगे। फुल टॉस मिला, डाउन द ग्राउंड खेला लेकिन फील्डर वहां पर वाइट इज लॉन्ग ऑन से जब तक आते हरकत में, जी हाँ बरकत तो मिली लेकिन काम इतने से बनेगा नहीं। छह गेंदों पर 100 बोला 16, क्या 16 रन बना पाएंगे। क्या महेंद्र सिंह धोनी ने जब ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज में और श्रीलंका के खिलाफ पहला बॉल डॉट था, 15 रन चाहिए था, फिर दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका शामिंडा रंगा गेंदबाज थे, तो क्या वो कारनामा कर पाएंगे, क्या कार्लोस ब्रेथवेट बन पाएंगे। ये 2010 में जब T20 सेमीफाइनल था तो पाकिस्तान के खिलाफ माइक हसी ने
22 रन मार दिए थे 5 गेंदों पर, सही दसबल की गेंदों पर, वहां भी 17 चाहिए थे। क्या वही कारनामा बैट्समैन कर पाएंगे? मुझे लगता है देर नहीं लगनी चाहिए, फील्डिंग लगाना चाहिए आपको। फील्डिंग लगाए तो आखिरी ओवर वो कौन डालेगा, कौन दिलेर खिलाड़ी होगा, कौन जिगरे का खिलाड़ी होगा जो वो आखिरी ओवर करेगा। अरुण भाई साहब, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी देखी गई है, सारे गेंदबाज मानो बल्लेबाजों से कह रहे हो कि ये युद्ध स्थल है रणवीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, या धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। तो कहीं ना कहीं अब बल्ला चलाना होगा, जो एसके एंटरप्राइजेस का खेमा है, बल्लेबाज वरुण की ओर एक आशा भरी निगाह से निहार रहा है। नहीं, वरुण एक बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन टैलेंट तो सभी के सामने दिखाना होगा, और शुरुआती 2 गेंदों पर क्या कर पाएंगे, काफी हद तक मैच की जो तस्वीर है वह साफ होगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि पहली 2 गेंदों पर क्या। वरुण को आज बड़ा अच्छा मौका है हीरो बनने का, जो उनका खेमा है, जो उनका डगआउट है, जो उनके प्रशंसक हैं, एसके एंटरप्राइजेज की एक आशा भरी निगाह से इस बल्लेबाज की ओर निहार रहे हैं, क्या उनकी आशाओं पर खरे उतर पाएंगे। टीम के बहुत ही होनहार ऑलराउंडर, शॉट खेला वहां पर, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, बहुत ही तेज आउटफील्ड, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। 15 बचे हैं, अब कहानी कुछ वैसे ही हो रही है, क्या इतिहास दोहराएगा, क्या नया रिकॉर्ड बनेगा, टकटकी लगा कर बैठे दर्शक, ऊंट किसकर बढ़ जाकर बैठेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, जीत का सहरा किसके सर पर सजेगा, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। 5 में 15 और लीजिए इस बार यूज 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 इनटू द क्राउड। बिल्कुल कहा था कि शेर की दहाड़ तो है, लेकिन लाजवाब छक्का लगाया है, जिसकी जरूरत थी अगर एसके एंटरप्राइजेस के नजरिए से कहूं तो। अब सारे दर्शक जो है खड़े हो चुके हैं, उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है इस मैच में, दोनों टीम के सपोर्टर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव है और अब यहां से कहानी में ट्विस्ट जरूर रहेगा। और राहुल क्या इसी गेंद में मैच छोटा करेंगे या विट्टू फिर उनका रास्ता रोकेंगे, देखना दिलचस्प होगा। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, बड़ा है और कड़ा, और बहुत ही तेज मुकाबला चलता हुआ बड़ा मैच। इस गेंद पर क्या होगा, और इस बार फुल टॉस थी, अगर कनेक्शन हो पाता तो क्या हो जाता, 3 गेंदों पर 8 रन। अगर यह मैच टाई होता है तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है, लेकिन सुपर ओवर नहीं होगा, बॉल आउट से निर्णय निकाला जाएगा, बॉल आउट से निकाला जाएगा निर्णय अगर यह मैच टाई होता है। क्या वरुण अपने जीवन का सबसे अच्छा शॉट खेल पाएंगे, क्या विट्टू इस गेंद पर चमत्कार कर पाएंगे। शॉट खेला बहुत तेजी से वहां पर, लेकिन बॉल छूटा और दूसरा रन लीजिए वहां पर, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ 2 गेंदों पर 7 रन, 6 रन, 2 गेंदों पर 6 रन। अगर एक बाउंड्री आती है, एक सिंगल, तो मैच टाई, अगर एक सिक्स लगाते हैं तो मैच खत्म, और अगर एक विकेट आता है तो दबाओ। क्या होगा इस बॉल पर अरुण भाई साहब, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, और इस बार लीजिए खेला है यहाँ पर बहुत तेजी से आउटफील्ड जा रही है, देखना दिलचस्प होगा क्या पकड़ पाएंगे, और लीजिए 2 रन बना लिए हैं 1 गेंद पर 4 रन। टक्कर, ताली बजा दे दर्शकों पूरे मैदान पे एक बार। बिल्कुल, और अंतिम गेंद पर 4 रन की आवश्यकता है अरुण भाई साहब, है जो हार्ट के मरीज हैं, जो दिल के कमजोर हैं, इस गेंद को बिल्कुल ना देखें, कमजोर दिल वाले मैच ने देखे घर चल जाए, हॉस्पिटल बंद हो चुका है, आपको अटैक आ सकता है, आयोजन समिति इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 गेंद पर 4 रन, 3 आएंगे तो टाई, चौका आएगा तो जीत, विकेट आएगा तो गोल्डन प्रेशर, मैच खत्म।
धक धक। तो क्या दिल की धड़कन लगातार दस्तक देती हुई दर्शकों क्या होगा? और लीजिए पहला तेजी से भागा है, दूसरा भी भाग गए और यह मैच जो है गोल्डन टाइगर ने अपनी जेब में कर लिया है। ओहो